दोस्तों, आज की वीडियो हमारी जो है वो है इन्वर्टेड जंक्शन क्या होता है, इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं। इससे पहले हमने बताया था कि डबल इन्वर्टेड जंक्शन क्या होता है। अभी जो 17 नंबर की वीडियो है हमारी वो है इन्वर्टेड डोर जंक्शन। डोर क्या होता है, जैसे हमारा कोई भी जो बना है पॉइंट उसके अंदर बीच में पॉइंट दे देना, उसको खोल करके उसकी सफाई करने के लिए, ठीक है, वो डोर होता है। जैसे कि हम बताते हैं इस वीडियो में आपको कि इस इन्वर्टेड डोर जंक्शन के लगाने का यह लाभ होता है कि आवश्यकता पड़ने पर जब हमें कोई भी लाइन ब्लॉक हो जाती है तो उसको खोलना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो इसका जो उसके अंदर लगा हुआ है कचरा भरा हुआ है उसको निकालना है, तो उसके खोलने के लिए रुकी हुई पाइप लाइनों को इस दरवाजे के द्वारा रोडिंग करना या पाइपलाइनों को आपस में मिला के, जैसे ये लाइन हमारी दो है, इन दोनों लाइनों के बीच में यहाँ पे हमने डोर जंक्शन आया है, ये लाइन आई है, और यहाँ पे हमने कोई भी पॉइंट बनाना है तो इसमें से निकाल देंगे। अगर कोई कचरा इसके अंदर भर जाता है तो इस कचरे को खोलने के लिए हम यहाँ से उसको रोडिंग कर सकते हैं, इधर भी उधर भी दोनों तरफ हम रोडिंग कर सकते हैं, तो उससे क्या है वो लाइन क्लियर हो जाती है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि इन्वर्टेड डोर जंक्शन का प्रयोग कैसे करते हैं, कि इन्वर्टेड डोर जंक्शन के लगाने का ये लाभ होता है कि आवश्यकता पड़ने पर उसको आसानी से रुकी हुई पाइपलाइन को खोल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। दोस्तों, हम आपको मिलते हैं 18 नंबर वीडियो में, जिसे कहते हैं काउल। काउल का प्रयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अगली वीडियो में आपको बताते हैं कि किस प्रकार से हम काउल का प्रयोग करते हैं। ओके, थैंक यू।